नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल भारत लाइव में। मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों को ले जा रही एम्बुलेंस को पुलिस ने कुछ समय के लिए रोक दिया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस को इसलिए रोका गया ताकि स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी पहले वहां से निकल चले। गौरतलब है कि ये घटना स्वास्थ्य मंत्री के मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल के दौरे करके वापस लौटने की है। चमकी बुखार के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में लगभग 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी, लेकिन सरकार लगातार उसे अनदेखा कर रही है। आपको बता दें 13 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर का दौरा करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर दौरा रद्द कर दिया गया। हालांकि आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन इस बार सही समय पर जागरूकता अभियान नहीं चलाने के कारण बीमारी का कहर छा गया। जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, तो इसका मतलब है कि बीमारी से मरे 60 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की। इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से तो एक ही सरकार है, तो क्यों नहीं जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने भी बेतुका बयान देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव में अधिकारी की व्यस्तता होने के कारण जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया था। खैर, अब बेतुका बयान अश्विनी चौबे देते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना दौरा रद्द कर दिया। वहीं जब मंगल पांडे जाते हैं तो पहले उनका रूट क्लियर किया जाता है, ना कि उस एम्बुलेंस का जिसमें चमकी बुखार के पीड़ित बच्चे जा रहे होते हैं। अब बैतुका बयान दे दिया है कि उनके अधिकारी चुनाव में बिजी थे, और जिस तरीके से कहा है कि बिजी होने के कारण जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया और इसकी जिम्मेवारी चुनाव पर जाती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव सरकार बनाने के लिए हो रहा था। और पिछले कई सालों से यही सरकार है बिहार में, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 से है, तो ये पूरी जिम्मेवारी शायद मंगल पांडे इनडायरेक्टली अपने सरकार को सौंप रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।